Hello traders, welcome to your channel Chart with Trade. I hope you all are making money in this market. आज की वीडियो में हम Alicon Castalia Limited शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे. उसके साथ इसमें एक बॉक्स पैटर्न कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस बॉक्स पैटर्न कैसे काम करता है एंड उसका टारगेट क्या रहेगा, डिटेल्स में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे. उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है Alicon Castalia लिमिटेड का और यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वीकली. देखिए प्राइस के लिए जो 760 का लेवल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था. जब भी प्राइस 761 के आसपास जा रहा था, प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था. लगभग 3 times प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है. उसके बाद देखिए प्राइस जो 761 लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था. ब्रेकआउट करने के बाद देखिए प्राइस अभी उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है. अभी जाकर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो कि डेली टाइम फ्रेम में बॉक्स पैटर्न बना है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे. अगर प्राइस एक्शन में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस जोन को प्राइस ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस जोन जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था प्राइस के लिए, अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट जोन. जैसे कि प्राइस यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो कि लेवल बन रहा है 760 से 750 के बीच में एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस लेवल को होल्ड कर सकता है, क्योंकि कोविड टाइम में यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है. अगर आप मैक्सिमम बुल स्ट्रक्चर को देखे होंगे प्राइस का, तो वो हमेशा प्राइस एक ट्रेंड के अंदर चलते हैं, आइदर अप ट्रेंड चैनल में नहीं तो डाउन ट्रेंड चैनल में नहीं तो साइडवेज. लेकिन यहाँ पे प्राइस उसका जो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे अप ट्रेंड चैनल के अंदर चल रहा है, जिसका लोअर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा है लगभग 730 के आसपास और जो अपर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा है 950 के आसपास. इस चैनल के अंदर प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है. तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं. डेली टाइम फ्रेम जो बॉक्स पैटर्न बना है, वो बॉक्स पैटर्न के थ्रू हम कैसे एंट्री कर सकते हैं. देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है Alicon Castalia लिमिटेड का एंड टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली का. देखिए यहाँ पे प्राइस ने बनाया है एक बॉक्स चार्ट पैटर्न. बॉक्स चार्ट पैटर्न तभी बनता है जहां पे कि दो हॉरिजेंटल लाइन के बीच में प्राइस कंसोलिडेशन करता है. मतलब प्राइस यहां पे उसका हॉरिजेंटल अपर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होना चाहिए एंड लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेना चाहिए, जैसे कि एग्जैक्ट यहां पे Alicon Castalia में बना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये पैटर्न बनने से पहले प्राइस में एक अप ट्रेंड होना चाहिए. देखिए प्राइस अभी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे बनाया है एक बॉक्स पैटर्न, जो कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स उसका अपर बाउंड्री से प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है एंड मल्टीपल टाइम्स लोअर बाउंड्री से प्राइस को सपोर्ट मिला है एंड आप इसको बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं. देखिए पैटर्न जो नाम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर एक बार आप विजुअलाइज कर लेंगे उसके बाद पैटर्न नाम याद रखने का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है. अगर सिर्फ आप हॉरिजेंटल बाउंड्री को फॉलो करेंगे तो सबसे अच्छा काम करता है स्टॉक मार्केट चार्ट में. अगर आप जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वहां पे हॉरिजेंटल बाउंड्री का ब्रेकआउट आया होगा वो सबसे बेस्ट होता है. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस पुल बैक कर लेता है, जिसकी वजह से हॉरिजेंटल बाउंड्री सबसे बेस्ट है. देखिए प्राइस ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक बॉक्स पैटर्न, जिसके यहाँ पे अपर बाउंड्री बन रहा है 944 के आसपास और लोअर बाउंड्री बन रहा है 730 के आसपास और प्राइस देखिए एक बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था. देखिए अभी आपको एंट्री कहाँ पे करना है. एंट्री करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है कि ब्रेकआउट के लिए का 200 का मूविंग एवरेज कहाँ पे है. यहाँ पे देखिए जो रेड लाइन जा रहा है ये हो गया 200 का मूविंग एवरेज, क्योंकि अगर किसी भी चार्ट पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ पे 200 जो मूविंग एवरेज है उसका आसपास होना चाहिए. अगर ज्यादा डिस्टेंस में होगा, जैसे कि 40 या 50% डिस्टेंस में अगर ब्रेकआउट आ रहा होगा, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम वहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर फेलोर हो जाता है. तो इम्पोर्टेंट है अगर किसी भी ब्रेकआउट को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज एक बार चेक कर लीजिए, आसपास है या उससे डिस्टेंस में है. अगर आसपास होगा तो मैक्सिमम टाइम वो चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है. उसके साथ इंडेक्स का हमारा मार्केट का सेंटिमेंट भी डिपेंड करता है. तो अभी आपको एंट्री कहाँ में करना है. देखिए प्राइस यहाँ पे जब 730 के आसपास आएगा, इस बॉक्स पैटर्न का लोअर बाउंड्री जो बन रहा है 730 के आसपास, 730 के आसपास आने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे कोई भी हैमर नहीं तो बुलिश एंगलिंग नहीं तो डोजी, इस तीनों कैंडल्स की पैटर्न अगर 730 के आसपास बनेगा, वहां से माना जाएगा कि
प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। एंड जैसे ही इस तीनों में एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई कटेगा, हाई के ऊपर आपको एंट्री करना है और लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस देना है। देखिए ऐसे करते हुए आपका एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट का रूल ऐसा है कि इनिशियली आपका कॉन्फिडेंस वो ले जाएगा, उसके बाद जाकर वो आपको रिवार्ड देगा। तो अगर यहाँ पे मानिए कि प्राइस अभी नीचे नहीं आएगा, 730 के आसपास नहीं आएगा, प्राइस यहाँ से घूम जाएगा, तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है, जो कि बन रहा है 944 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा वहां पे आप ब्रेकआउट में भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट के आसपास एंट्री करेंगे वो आपके लिए सेफ रहता है। उसके साथ एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का वीडियो भी एक बनाया था टाटा मोटर्स के बारे में, उस वीडियो को भी जाकर एक बार आप देख सकते हैं, उसके बाद आपके लिए सारा एनालिसिस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली जब भी बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट का जो टारगेट बनेगा, ब्रेकआउट मतलब हमें 944 के ऊपर जो उसका अपर बाउंड्री बन रहा है उसका ब्रेकआउट आकर जो क्लोजिंग रहेगा, उसके बाद जो नॉर्मली इसका टारगेट बनता है वो बनेगा डिस्टेंस बिटवीन अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री। इसका डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पे रहेगा टारगेट बॉक्स पैटर्न का। आई होप कि बॉक्स पैटर्न में कैसे ट्रेड करना है आप समझ पाए होंगे। सेफ रहता है अगर सपोर्ट के आसपास कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो रिवर्सल माना जाता है, एंड यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। अगर नहीं आता है तो ब्रेकआउट पर सेफ होता है, ब्रेकआउट को जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद जाकर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपको मालूम नहीं है कि ये जो अपट्रेंड के बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये एक्युमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी हम कभी भी पता नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले एक्युमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ब्रेकडाउन करेगा हम मानेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर अपसाइड में मूव करेगा उसको मानेंगे हम एक्युमुलेशन है। लेकिन अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है और कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है, एंड इसका जो टारगेट रहेगा डिस्टेंस बिटवीन अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री उसका टारगेट रहेगा, एंड उसके ऊपर भी टारगेट जा सकता है पैटर्न ब्रेकआउट आने के बाद। इसीलिए प्राइस जब अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, टारगेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन को प्लॉट करता हूँ जो उसका लाइफ टाइम हाई था एंड अभी कोविड के टाइम में जो लो था। देखिए प्राइस अगर यहाँ पे जो लेवल यहाँ पे बन रहा था वो बन रहा था 744 का, शायद 944 का। अगर प्राइस यहाँ पे 944 के ऊपर क्लोजिंग आता है उसके बाद प्राइस के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो बनेगा 1120 का, जो कि फिबो लेवल बन रहा है 1.618 का, 1120 एंड 1727 इस दोनों टारगेट आपको मिल सकता है अगर प्राइस यहाँ पे 944 के ऊपर सस्टेन करता है। जो ये जो टारगेट है 1720 का ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा, लेकिन जब 944 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा एंड जो यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बना है उसको ब्रेकआउट करेगा उसके बाद यहाँ से इजीली 1120 के आसपास जा सकता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे एंड किसी भी चार्ट सेटअप के ऊपर पहला प्रैक्टिस कीजिएगा। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए नाम जानना जरूरी है, नहीं तो एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री के ऊपर अगर ट्रेड सेटअप आपका रेडी करेंगे तो देखिए लॉन्ग रन में आपको हमेशा से प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन आपको हमेशा से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज करना है, विदाउट योर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट आप कभी भी नेट में प्रॉफिटेबल हो नहीं पाएंगे। तो आपको प्री डिफाइन लॉस डिफाइन कीजिए, आपका प्रैक्टिस कीजिए किसी भी सेटअप के ऊपर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।